सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए, पर आजकल लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं। कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। हर कोई मिलता है यहाँ पहन के सच का नकाब, कैसे पहचाने कोई कौन है अच्छा कौन है खराब। मेरी गलतियाँ मुझसे कहो दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है उनको नहीं। आज का पंचांग 25 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, रात्रि 10:35 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र शाम 5:21 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 10:30 से 11:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर शाम 5:21 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। आज है चंद्र दर्शन। मीन राशि 25 नवंबर 2022 देश शुक्रवार। आज आप कल्पनात्मक रहेंगे। कार्यस्थल की ओर से किसी अन्य स्थान की यात्रा का मौका मिल सकता है। आपकी रोमांटिक प्रवृत्ति उजागर होगी। अपने आप को थोड़ी ढील देने का दिन है, लेकिन काम में व्यवहारिकता भी दिखानी होगी। साथियों के साथ अच्छे मूड में रहेंगे। अपनी मेल देख लें, कोई महत्वपूर्ण मेल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। वित्तीय योजनाओं को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है, इसलिए आलस ना करें। इस समय वाहन खरीदने के उचित योग बने हुए हैं। भौतिक सुख में वृद्धि होगी। स्त्री वर्ग घर तथा बाहर दोनों कार्यों को बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित रखने में सफल रहेंगे। नए लोगों के साथ हो रही जान पहचान की वजह से व्यक्तिगत जीवन में बदलाव और फायदा नजर आएगा। अन्य लोगों के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए जीवन से जुड़ी कठिन बातों को समझने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार की तरक्की हासिल करने के लिए क्षमता से अधिक प्रयत्न करना नुकसान का कारण बनेगा। काम की वजह से प्रसन्नता मिलेगी। आपके द्वारा तय किया गया टारगेट आसानी से पूरा हो सकता है। पार्टनर के साथ बिताए हुए वक्त की वजह से आनंद मिलेगा। शरीर को डिटॉक्स करना आवश्यक है। सावधानियां, इसे में अपना रुख नरम रखें तथा अनावश्यक नोकझोंक और वाद विवाद से दूर रहें। रुपए पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में सावधानी बरतें। कोर्ट केस अथवा किसी सामाजिक विवाद संबंधित मामलों को समय पर सुलझाना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर के वातावरण में सामंजस्यपूर्ण माहौल रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए बेहतरीन रिश्ता भी आने की संभावना है। आप अपने पार्टनर के किसी काम भाव गंभीरता से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगर आप अंतरंग डिनर आदि पर जाते रहे हैं तो आज भी ऐसे ही एक मजेदार लेकिन पारिवारिक डिनर पर जा सकते हैं, जिसमें सारे परिवार को एक साथ होने का मौका मिल सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो इस काम भाव गंभीरता से आपको उनके बारे में नई बातें जानने और इसके आधार पर भविष्य का फैसला लेने में मदद मिलेगी। बात करते हैं करियर की। अपने स्वयं के वित्त एवं धन का नियंत्रण लेना आपके लिए अब बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत से डरते नहीं हैं। आज आप बहुत संगठित और अनुशासित हैं और आप बहुत ही व्यवहारिक तरीके से अपने कार्य क्षेत्र और करियर के मुद्दों से निपटने के लिए तैयार हैं। आज आप अपने अच्छे काम शुरू करें और एक बहुत ही कम समय के भीतर आप अपने वित्त एवं धन के सकारात्मक परिणाम को महसूस करेंगे। बात करते हैं सेहत की। अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधित परियोजना पर काम कर रहे हैं या इसी के बारे में कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको उम्मीद से कहीं जल्दी सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है, लेकिन अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखें और कुछ गलत होने पर समाधान तैयार रखें। सेहत का पूरा ख्याल रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
आज का उपाय। आज आप गरीबों को चावल का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।